और रूस और यूक्रेन वॉर का नौवा दिन आज बहुत बड़ी घटना हुई। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ, आग लगी। रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने इस आग के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन सच क्या है? क्या ये आग कहीं परमाणु युद्ध का ट्रेलर तो नहीं? जवाब इस रिपोर्ट में। खतरनाक हुई रूस और यूक्रेन की जंग। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हुआ हमला। हमले के बाद परमाणु प्लांट में लगी आग। पुतिन का पहला परमाणु धमाका। रूस और यूक्रेन की जंग के नौवें दिन वो हो गया जिसका डर था। जंग के बीच बमबारी की जद में यूक्रेन का परमाणु पावर प्लांट आ गया, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई। यूक्रेन के जेपेरोजाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके हुए और प्लांट का एक हिस्सा धू धू कर जलने लगा। सवाल उठने लगा कि क्या ये पुतिन का पहला परमाणु धमाका है? आग लगने से पहले न्यूक्लियर प्लांट में एक के बाद एक चार धमाके हुए। धमाके के बाद आग इतनी तेज थी कि एक बार तो लगा कि ये पूरे न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना लेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने से पहले भीषण गोलाबारी भी हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पावर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में कितनी जबरदस्त फायरिंग की गई। रशिया और यूक्रेन दोनों तरफ से की जा रही इस गोलीबारी की गूंज काफी दूर तक और देर तक सुनाई दी। गनीमत ये रही कि आग प्लांट के बाहरी ट्रेनिंग बिल्डिंग में लगी। अब तक ब्लास्ट से रेडिएशन की बात सामने नहीं आई है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में रेडिएशन का स्तर खतरनाक नहीं है। परमाणु प्लांट में ब्लास्ट के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि परमाणु प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय है। उन्होंने कहा कि अब यूरोप को जागना चाहिए। Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горі жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше. जेलेंस्की के उलट रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ये आग यूक्रेन के ही साजिश करने वाले एक ग्रुप ने लगाई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार जब रूसी सेना इस प्लांट के बाहर से गुजर रही थी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग बिल्डिंग से कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद रूसी सेना ने जवाबी फायरिंग की और दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। Nearby of this nuclear station, and in an open fire against the Russian soldiers, and when Russian soldiers were targeting them, they were trying to leave this area and have blown up one of the buildings. But of course, a nuclear station remains safe, and actually, it is functioning properly. फिलहाल परमाणु पावर प्लांट में लगी आग बुझा दी गई है। परमाणु प्लांट में अगर ब्लास्ट होता तो खतरे की जद में कई देश आ जाते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेडिएशन फैलता तो रूस और यूक्रेन समेत पूरा यूरोप तबाह हो जाता। दरअसल जेपेरोजाई न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लांट में से एक है।
न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर्स लगे हैं। यूक्रेन के 4 सक्रिय परमाणु सुविधाओं में से एक है। यूक्रेन की 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है। प्लांट की क्षमता 5,700 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। प्रेसिडेंट पुतिन लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं, वो शायद एक प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है। यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली रेडिएशंस उसके सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी वाला इवेंट भी याद है, जिसको 1945 के बाद इतना लंबा समय गुजर गया, उस एरिया में अभी भी केसेस आते हैं। और मैं खुद वहाँ पे जाके देखा एक बार, इवन वहाँ जो पूरे उस एरिया से निकल के जो अभी भी बच्चे जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी संख्या में वो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। परमाणु प्लांट में ब्लास्ट के बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। पूरे यूरोप पर खतरा मंडराने लगा। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। प्लांट पर अब रशिया का कब्जा है। अब एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि युद्ध में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाना चाहिए, वरना खतरा काफी बढ़ सकता है। कि अगर रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है तो मतलब कुछ लीकेज हुआ होगा, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि कुछ डिटेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी से ही हम लोगों ने सतर्क हो जाना चाहिए, और इस तरह की घटना नहीं होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि युद्ध अभी तुरंत पहले तो सीज फायर होना चाहिए। दरअसल पिछले 3 दिनों से परमाणु युद्ध की बात चल रही है, दुनिया डरी हुई है। आज सुबह सुबह पूरी दुनिया न्यूक्लियर प्लांट में लगी इस आग को देखकर कांपने लगी, रेडिएशन का डर सताने लगा। राहत की बात ये रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, वक्त रहते न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग बुझा ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।